जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। रनिंग की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, यूपी पुलिस की रनिंग की आप लोग तैयारी कर रहे हैं। मेल भी है, फीमेल भी है, बहुत सारे बच्चों के कमेंट मेरे पास आए कि दीदी आप हमें रनिंग के लिए कुछ टिप्स दे दीजिए और हमारा डाइट प्लान क्या रहना चाहिए। बेसिकली उन बच्चों के लिए जो बच्चे बिल्कुल वेजिटेरियन सोर्सेज फॉलो करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं। शुरू शुरू में सांस भी फूलता है, कुछ समझ में नहीं आता, बॉडी थकी रहती है, आगे की भी तैयारी करनी है। कुछ लोग जिनके थोड़े कम नंबर हैं वो फिर भी रनिंग कर रहे हैं, वो तो आधा तो उनका जीवन इसी डाउट में जा रहा है कि पता नहीं होएगा भी या नहीं होएगा और मैं आगे की भी तैयारी नहीं सही से प्रॉपरली कर पा रहा। क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में रनिंग करने जाते हैं तो सभी बच्चों की बात नहीं कर रही, कुछ लोग तो एथलीट पैदा ही होते हैं, खैर उनकी बात नहीं कर रहे। जो एथलीट पैदा नहीं होते उन बच्चों की बात करें तो उनके साथ ये दिक्कत आती ही है कि अगर वो अपनी तरफ से कोशिश भी कर रहे हैं ना कि नहीं मतलब मैं पढ़ूंगी, तो वो पूरा दिन उनका ऐसा मन करता है सो जा। तो सुबह रनिंग करें या शाम को रनिंग करें, किस तरह से करें, इन सारी चीज़ों के बारे में आज चर्चा करेंगे। लास्ट में हम आपको कुछ टिप्स भी दूंगी, कुछ मेडिकल सोर्सेज भी बताऊंगी, मतलब दवाइयाँ भी बता दूंगी कि अगर आपको दिक्कतें आ रही हैं तो आप वो दवाई ले सकते हैं उससे, बिल्कुल नेचुरल सोर्सेज, मतलब आयुर्वेदिक सोर्सेज, कोई मतलब ये नहीं कि इंजेक्शन वगैरह का, वो सब मुझे पता भी नहीं है और बताना भी नहीं है अगर पता भी है तो। ठीक है, तो आप लोगों को पूरा इसमें वीडियो में गाइड किया जाएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। देखो सबसे पहले अगर आप लोग बहुत बड़े धावक नहीं हैं, आप वो वाले बच्चे हैं मेरी तरह कि अभी तक पढ़ ही रहे थे और अब उन्हें रनिंग करनी पड़ रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 90% बच्चों को रनिंग ज़्यादा हार्ड लग रही होगी अभी इस समय पे। उनको ऐसा लग रहा होगा कि यार भागा ही नहीं जा रहा। लड़कियां 6 राउंड लगाने में कतरा रही होंगी और लड़के 12 राउंड तक, मतलब उनका शरीर टूट जाता होगा। ये बात बिल्कुल सच है कि 12 राउंड बहुत होते हैं, वाकई में बहुत होते हैं, और लड़कों की मैं हिम्मत मानती हूँ कि वो 12 राउंड एक साथ ऐसे लगा लेते हैं। आप अपने लिए सबसे पहले तो क्लैपिंग करो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो बच्चा कि आप 12 राउंड लगा रहे हो, 13 राउंड लगा रहे हो। कुछ लड़के ऐसे हैं अभी भी वो लोग तैयारी कर रहे हैं और डेली 5 किलोमीटर मार रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। पर अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं स्टार्ट करी है तो पहले दिन ही जाते, जैसे होता है ना ऐसे हम यार दोस्तों के साथ चलते हैं, अच्छा तू चल रहा है मैं भी चल रही हूँ तेरे साथ, या मैं भी चल रहा हूँ तेरे साथ, ठीक है चल, और उसने क्या करा, उसने जाते ही पहले दिन ही 10 राउंड मार दिए और तुम्हारा हलक सूख गया, तुम्हारा जी निकला जा रहा, तुमसे 2 राउंड भी सही से नहीं लगे और तुमने किसी तरीके से 3-4 राउंड खींच के लगाए, तुम्हारा डिमोटिवेशन, मतलब तुम अपने आप को ऐसे डिमोटिवेट कर लोगे कि यार ये तो इतना कर रहा है मैं नहीं कर पा रहा। देखो सबकी बॉडी अलग होती है, सबका बॉडी टाइप अलग होता है, सब अलग अलग तरह से रिसोर्सेज लेते हैं अपने खाने में, सब अलग अलग तरह का खान पान रखते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम भाग पा रहे हो तो सामने वाला बंदा भी भाग पाएगा, पर हाँ थोड़ी सी हिम्मत रखनी पड़ती है, अंदर से जज्बा रखना पड़ता है। अब जैसे मैंने तुम्हें नंबर बता दिया कि इतने नंबर वाले कम से कम भाग लेना, तो उतने नंबर वाले मुझे लग रहा है कि भागना स्टार्ट कर दिया काफ़ी सारे लोगों ने, तो पहले दिन ही जाते ही ना अपने आप को बिल्कुल मिल्खा सिंह नहीं बनना है हमें, ठीक है। सबसे पहले वार्म अप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वार्म अप करना 1 राउंड का, 1.5 राउंड का, 2 राउंड का वार्म अप करना, हल्का हल्का, बिल्कुल धीरे 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 धीरे, बिल्कुल धीरे, जितनी धीरे तुम भाग सकते हो धीरे धीरे जॉगिंग करो। वार्म अप होगी, बॉडी में थोड़ी सी हीट आई, उसके बाद अपना स्ट्रेचिंग वगैरह कर लो जितनी तुम्हारी स्ट्रेचिंग हो सकती है, पूरी बॉडी के मूवमेंट खोल लो। ये गलतियां मैंने बहुत ज़्यादा करी है, मैं हमेशा इंजरी करवा लेती थी, मतलब फिजिकल से पहले मेरी इंजरी हो जाती थी क्योंकि मैं वार्म अप नहीं करती थी। पर UPSI के टाइम में और उससे पहले भी मैंने सब कुछ फिर ध्यान रखा, जब मैंने फिजिकल क्लियर किया तो मैंने सारी चीज़ें ध्यान रखी कि हाँ अब इंजरी नहीं करानी भैया, अब पेपर क्लियर करना है तो इंजरी मत करा लेना। सबसे पहली बात वार्म अप ज़रूर करना, दूसरी बात वार्म अप ज़रूर करना है तुम्हें, वार्म अप के बाद स्ट्रेचिंग ज़रूर करनी है, चाहे उसमें तुम्हें आधा घंटा ही तुम्हारा क्यों ना वेस्ट हो रहा हो, आपको स्ट्रेचिंग 100% करनी ही करनी है। स्ट्रेचिंग के बाद ही आप अपनी रनिंग स्टार्ट करेंगे, जब आपको बिल्कुल ये हो जाए ना कि हाँ मतलब बॉडी बिल्कुल बढ़िया हो गई है, एनर्जेटिक हो गई है, उसके बाद आप अपनी रनिंग स्टार्ट करिए। अब रनिंग स्टार्ट जब आपने करी तो पहले दिन ही मिल्खा सिंह नहीं बनना, ठीक है। अगर लड़कियां हैं तो पहले दिन ट्राई करो कि तुम 2 से 3 राउंड लगा लो, और अगर लड़के हैं तो ट्राई करो तुम 4 से 5 राउंड लगा लो। उस दिन ज़्यादा कुछ मत करो और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज मत करो, 4-5 राउंड लगाने के बाद थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करने के बाद वापस आ जाओ, फिर उससे नेक्स्ट डे हल्का सा बढ़ाओ, फिर थोड़ा हल्का सा बढ़ाओ, फिर थोड़ा हल्का सा बढ़ाओ। अगर आप लोग बताएंगे तो मैं प्रॉपर आपको बिल्कुल एक डे वाइज प्लान बना के दूंगी कि ऐसे 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 करके करना, ठीक है। पर देखो हर बच्चे का हर किसी की बॉडी का अलग अलग होता है, कोई बच्चा आते ही 10 राउंड मार देता है, किसी पे एक भी नहीं लगता, किसी को ग्राउंड देखते चक्कर आ जाते हैं। बहुत सारी लड़कियां ऐसी होंगी जो फिजिकल क्रैक नहीं कर पाएंगी, मुझे मालूम है इस बारे में, क्योंकि मतलब लड़कियां एक तो अपनी डाइट पे ध्यान नहीं देती है, कुछ थोड़ा सा फिजिकली भी
कमज़ोर हो जाती हैं कि खा नहीं रही हैं, कुछ नहीं कर रही हैं। अब मैं प्रॉपर बात करती हूँ तुम्हारी डाइट प्लान की, तुम्हारा डाइट प्लान क्या होना चाहिए। देखो जब तुम सुबह सुबह, अगर तुम सुबह सुबह रनिंग करने वाले हो, सुबह सुबह रनिंग करके आ रहे हो, तो सुबह सुबह चने जो रात को तुमने पिछली रात को भिगोए होंगे, चने तुम्हें बिल्कुल लेने ही लेने हैं। उसमें किशमिश भिगो के तुम्हें लेनी ही लेनी है। अगर चने और किशमिश तुमने छोड़ दी तो ये समझ लो तुम्हारे फिजिकल क्रैक होने के चांसेस 50% तक दब जाए। समझ में आ रही है? क्योंकि चने जो हैं वो बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है और स्टेमिना बढ़ाते हैं, ठीक है, और सस्ता सोर्स है, सबसे सस्ता। हम लोग वो वाले बालक तो है नहीं कि प्रोटीन घुमाया और पी रहे हैं, इतना तो पैसा है नहीं हमारे माँ बाप के पास। हम तो दूध वाले गाँव में छोरे हैं, गाँव में छोरा छोरियाँ हैं मतलब, तो दूध दूध पी के ही हमारा काम चल सकता है, ठीक है। दूध, दही, लस्सी, छा, ये सारी चीज़ें पी के गाँव के जो देसी बालक हैं उस टाइप के हैं हम लोग, ठीक है। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो लोग प्रोटीन अफोर्ड कर सकते होंगे। अगर आप लोग कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर हम लोग जितना अच्छा प्रोटीन लेंगे अपनी बॉडी में, उतनी ही अच्छी हमारी रनिंग स्टैमिना होगी। तो सुबह आप लोगों को चने ज़रूर लेने हैं, चने नहीं छोड़ने हैं। चने उसके अंदर अगर आप अंकुरित करके वो दाल ले सकते हैं, मूंग की जो दाल आती है साबुत वाली, उसे ले लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़, दूध ले लेना आप सुबह सुबह, उसके साथ आपका सुबह सुबह आपको ऐसा लग जाएगा, फीलिंग हो जाएगा। उसके बाद दिन में जो भी खाना खाते हैं खाओ, ठीक है। ट्राई करना कि आप दाल ज़्यादा लें, ठीक है, सब्ज़ी ज़्यादा खाएं, रोटियां कम कर देना, कोशिश करना कि चावल भी कम कर दो, चावल भी थोड़ा सा सांस फुलाता है, ठीक है। तो ट्राई करना कि चावल कम कर दो, और रात को जितना ज़्यादा हो सके, ट्राई करना कि 6 बजे से पहले पहले खाना खा लो। क्योंकि जब आप 6 बजे से पहले खाना खा लोगे तो आपका जो खाना है वो सुबह तक पच जाएगा और आपका पेट प्रॉपर साफ होगा। देखो इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, पर मैं बात उठा रही हूँ इस चीज़ की कि अगर तुम्हारा पेट साफ नहीं होगा ना प्रॉपर, अगर तुम्हारे गैस बन रही है, अगर तुम्हारे कॉन्स्टिपेशन है, तो तुम नेक्स्ट डे अच्छी रनिंग नहीं कर पाओगे। ये बात बिल्कुल सच है, ठीक है, कोई इस बारे में बात नहीं करता है, पर मुझे पता है कि अगर पेट ठीक नहीं होगा ना इंसान का, पेट सही नहीं होगा तो दिक्कत आएंगी उसको। स्पेशली लड़कियों के लिए तुम्हें बताऊँ, लड़कियों का जो लोअर अपडामनल होता है, मतलब जो पेट का हिस्सा होता है, पेट में पेट का हिस्सा जो होता है लड़कियों का थोड़ा सा कमज़ोर होता है। तो आप लोग ट्राई करना गर्ल्स कि आप एक टाइटी ले लें, क्योंकि जब आप टाइटी पहनेंगी तो पेट का जो हिस्सा है, जो पेट की मसल्स हैं वो टाइट रहेंगी। पेट की मसल्स टाइट रहेंगी ना तो आप अच्छी रनिंग कर पाएंगे। समझ में आ रही है आपको? जितनी अच्छी आप रनिंग करोगे, मतलब जितना अच्छा आपका पेट पेट की मजबूती होगी, उतनी ही अच्छी आपकी रनिंग होगी, ठीक है। तो डाइट मैंने आप लोगों को बता दी, ये बता दिया, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा मुझे मेडिकेशंस बताने हैं, कुछ मेडिकेशंस बताने हैं। एक तो 4 से 5 बार हफ्ते में 4 से 5 बार मिक्स दाल ज़रूर खाओगे तुम लोग। मिक्स दाल में उड़द की दाल हो गई, हरड़ की दाल हो गई, चने की दाल हो गई, ठीक है, चने मिक्स करवा लो, ठीक है। अपना अगर आटा है तुम्हारा, जो आटा आता है, आटा होता है हमारा खाने वाला, इसके अंदर अगर चने का आटा मिक्स हो सकता है तो उसको मिक्स करवा लो, बहुत अच्छा रहेगा। हफ्ते में तुम्हें 4-5 बार घी डाल के बिल्कुल बढ़िया देसी घी, बढ़िया बिल्कुल भर के, और वो दाल पीनी है, 1 कटोरी 2 कटोरी जितना तुम पी सको, अगर वेजिटेरियन हो। नॉन वेजिटेरियन हो तो आप लोगों के पास बहुत सारे सोर्सेज हैं, अंडे वगैरह भी होते हैं और क्या कहते हैं चिकन वगैरह भी होते हैं, आप लोग उसको भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अब हम इस पे बात करें कि जूस तुम्हें कब बिल्कुल नहीं छोड़ना, जूस नहीं छोड़ना। मौसमी का जूस तुम्हें लेते रहना है, मौसमी का जूस तुम नहीं छोड़ोगे। देखो मौसमी का जूस मतलब विटामिन सी का सोर्स, विटामिन सी का जो सोर्स होता है ना, उससे क्या होता है हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड जमा नहीं होता। तो जब हम भाग रहे होते हैं ना तो उस टाइम पे जो हमें पेन होता है या उसमें रुकने के बाद जो हमें पेन होता है वो लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। अगर आप लोग विटामिन सी का प्रॉपर मतलब कंजम्पशन रखेंगे अपने अंदर तो आपको ये वाली समस्या नहीं आएगी। तीसरी चीज़, आपको 4 से 5 लीटर पानी डेली पीना है, डेली पीना है। मतलब एक कैन रख लो चाहे अपनी, कि मुझे ये कैन शाम तक ख़त्म करनी है। और अगर तुमने इतना कर लिया ना तो तुम्हारी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी ना, तुम अपने आप भाग जाओगे सच में। और तुम्हारी बॉडी अगर हाइड्रेटेड रहेगी ना, तुम्हें मतलब उस टाइम पर सांस फूलेगा तुम्हारा, और है मतलब बहुत बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है जब रनिंग करते हैं। मतलब मेरी तो होती थी भाई, मैं तो जनरली बता रही हूँ, मेरी होती थी और वाकई में प्राण निकलते हैं, ठीक है। पर अपने आपको ये करना, बस इस पेड़ से थोड़ा सा आगे ऐसे करते करते पूरा राउंड कर लोगे। अपने अंदर मोटिवेशन रखना, विल पावर रखना। तुमने इतनी मेहनत करके, इतनी हिम्मत करके जो भी नंबर तुम्हारे आए हैं, भगवान करे आप सभी लोग सफल हो जाएं, ये कुछ चीज़ों का ध्यान रख लेना। अब कुछ मेडिकेशंस तुम्हें बता दूं। देखो अगर तुम विटामिन सी मतलब अगर जूस नहीं ले पा रहे हो, तो जिस दिन जूस नहीं ले पाए, वैसे तो ट्राई करो कि तुम जूस डेली पियो, चाहे तुम एक गिलास ही पी रहे हो छोटा सा, पर उसको पियो ज़रूर। अगर नहीं ले पा रहे हो तो विटामिन सी की छोटी छोटी गोली आती है, ठीक है, विटामिन सी वाली, उसको ले लेना, वो आपके काम आ जाएंगे। दूसरी चीज़, कैल्शियम का पाउच आता है,
ठीक है, एक कैल्शियम का छोटा सा पाउच आता है, उसको हफ्ते में एक बार ज़रूर लिया करना, ठीक है। तुम लोग हफ्ते में एक बार लोगे तुम्हारी कैल्शियम की कमी नहीं होगी, ठीक। बाकी वैसे मुझे इंजेक्शन के नाम भी बहुत सारे पता है, पर मैं आप लोगों को बताना नहीं चाह रही, जो अगर किसी के कैल्शियम की ज़्यादा ही कमी है उसके लिए, तो बाकी रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है। दूध वगैरह अपना पियो, और रात को दूध में हल्की सी हल्दी डाल के, बिल्कुल छोटी सी जरा सी हल्दी डाल के उसको ज़रूर पियो। एक और बात, अगर आप लोग अश्वगंधा ले सकते हो, अश्वगंधा सतावर, बॉयज़ के लिए स्पेशली बता रही हूँ, गर्ल्स मत लेना, गर्ल्स को थोड़ा सा गर्मी हो जाती है। बॉयज़ अगर ले सके अश्वगंधा और सतावर तो तुम वो ले लेना, उससे ना स्ट्रेंथ आती है मतलब बहुत ज़्यादा बॉडी में, और आपको ना बहुत ऊर्जावान सा फील होगा, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मतलब मेरे अंदर एनर्जी है, और थोड़ा सा ना स्ट्रेस को कम करता है वो, अश्वगंधा जो होता है वो स्ट्रेस रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस करता है, तो हमारी जो स्ट्रेस होती है वो कम हो जाती है। और रात को अगर हम दूध के साथ लेते हैं उसको, रात को ले लिया अगर एक फंकी मार लो मतलब ऐसे करके, और दूध पी जाओ उसके ऊपर, बहुत बेकार लगता है, बहुत बकबका सा लगता है, मतलब पिया नहीं जाता वो ऐसे, पर अगर उसको पियोगे ना आपको फ़र्क पता चलेगा, आपको नींद अच्छी आएगी, तो प्रॉपर सुबह आपका आराम से पेट साफ होगा, और आप नेक्स्ट डे अच्छी रनिंग कर पाओगे, आपको स्ट्रेंथन फील होगा, ठीक है। तो यही मेरी तरफ से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थे आप लोगों के लिए, मैंने कोशिश करी है इसमें सारी चीज़ें बताने की, अगर कुछ चीज़ मुझसे छूट गई हो तो आप लोग अपनी तरफ से ऐड ऑन करके कमेंट कर सकते हैं, और मुझे भी कमेंट करके बताओ कि तुम लोग कितनी रनिंग कर रहे हो और किससे कितनी रनिंग हो रही है, और सच सच बताना, कोई झूठ नहीं कुछ नहीं, ठीक है। एक एज अ बड़ी मैन, मेंटर, टीचर, कुछ भी समझ के आप लोग मुझे बताना, और अगर कोई दिक्कत आ रही हो वो भी बताना, उसका भी समाधान करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जय हिंद।